इन दिस सेशन वी आर गोइ टू डिस्कस हाउ द गवर्नमेंट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनमी सो गवर्नमेंट किस तरह से कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती है उसमें दो तरह के इंस्टीट्यूशन्स पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है और दूसरा वो सेमी ऑटोनमस या ऐसे के ऑर्गेनाइजेशंस को एम्पावर करती है डेवलप करती है इस्टेब्लिश करती है जिनको हम क्वासाई गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कौसाई का मतलब होता है ऑलमोस्ट सो so, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है मगर वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं जिनके पास भर पूरी ताकत गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है मगर उनको बाय लॉ कुछ हद तक कुछ ताकत दी जाती है कि जिससे वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट कर सकें उनकी उनके काम को फेसिलिटेट uh, करें उनके उनको इक्विप करें उनको एम्पावर करें उनको मॉनिटर करें कि वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या उनको फर्दर डेवलप करने के लिए क्या चीज़ें दरकार हैं वो चीज़ों को वो पॉलिसी मेकिंग के थ्रू या एडवाइस के थ्रू या प्लानिंग के थ्रू वो उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं या गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप हमें इस किस्म की मदद मजीद चाहिए या हम दिस इज़ हाउ वी वॉन्ट टू एक्सपैंड सो गवर्नमेंट रेगुलेट्स द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ़ एन इकोनमी डायरेक्टली और

कि किस तरह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरह से परफॉर्म करेंगे उनके लीगल बाइंडिंग्स क्या हैं वो किस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं उनके रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं वो ही सेट करती है कि रिज़र्व रेशो क्या होगा रिज़र्व रिक्वायरमेंट क्या है बैंक रेट क्या होगा और इसके लिए वो अपना लॉज डिफ़ाइन करते हैं आप लॉ को के अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और इस पूरे चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू मॉनिटर किया जाता है विच इज़ कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में इस चीज़ को भी ख़ातिर में लाया जाता है कि जो प्राइस हैं किसी भी इकोनॉमी में वो उनको स्टेबल रखा जाए उनको मेंटेन किया जाए ख़ास लेवल के ऊपर वो बहुत ज़्यादा शूटअप ना कर जाए और वो बहुत ज़्यादा लो लेवल के ऊपर नहीं चले जाएँ सो जिस जिस तरह से आ, इंक्रीज़ इन दा जनरल प्राइस लेवल एक अच्छी बात नहीं होते किसी भी इकॉनॉमी के लिए सिमिलरली शार्प डिक्लाइन इन द जनरल प्राइस लेवल इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर एन इकॉनॉमी सो द वन ऑफ द मेजर परपज ऑफ़ द सेंट्रल बैंक्स ऑपरेटिंग इन एन इकॉनॉमी इज़ टू मैंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी एंड दे ऑल्सो लुक एट दिस एस्पेक्ट के जो सप्लाई ऑफ मनी है वो कितना होना चाहिए उसमें इंक्रीज करना है तो कितना हो अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में कोई भी किसी किस्म के इम्बैलेंसेस चल रहे हैं तो उसने रेगुलेट करना है गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक के थ्रू तो सेंट्रल बैंक इज़ अ सेमी ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन हुज़ मेजर पर्पज़ इज़ टू रेगुलेट द इकॉनमी थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ दैट पर्टिकुलर इकॉनमी देन वी हैव गॉट गवर्नमेंट कैसे रेगुलेट कर रही है देन वी हैव गॉट अदर दैन दिस सेंट्रल बैंक वी हैव स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरीज़ ये वो कंपनीज़ हैं जो कि इस्टेब्लिश किए जाते हैं हकूमत की तरफ से किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बॉन्ड्स बना के हकूत ने फैसला किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल सुकूक बॉन्ड्स को सेल करना है तो उसके लिए वो क्या करेगी वो एक स्पेशल पर्पज़ व्हीकल या स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरी को कानूनन बनाएगी और जो भी उस सुकूक बॉन्ड्स के लेन देन के अमूर होंगे या उसकी लिगालिटीज़ होंगी वो सारी की सारी वो पर्टिकुलर कंपनी के थ्रू काम किया जाएगा सो गवर्नमेंट ख़ुद से सुकूक बॉन्ड्स इशू नहीं करी वो क्या करती है वो हमेशा पहले एक इंस्टीट्यूशन को डेवलप करती है वो एक फ़ॉर्म या इंटरमीडियरी को इस्टेब्लिश करती है जिसको हम स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरी बोलते हैं और उस स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरी के थ्रू वो वो टास्क को परफॉर्म किया जाता है सो एज एन एग्जाम्पल आई हैव कोटेड हियर आ स्पेशल पर्पज़ इंटरमीडियरी ये फर्स्ट सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट है और अगैन दिस दिस पर्टिकुलर कंपनी वॉज इस्टिश इन पाकिस्तान और ये सिक्योरिटीज़ uh, को इशू करने की कंपनी है बट दिस इज़ द मेन पर्पज़ वॉज टू सेल एंड ऑफर सिक्योरिटीज़ हैंस दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ special purpose intermediary so the government can regulate the financial structure through central bank and then there is this different another type of institutions that are called special purpose intermediaries to gather and there are several other institutions also or organizations also which are called the quasi governmental organizations to gather they help in regulating the financial structure or the financial institutions that form the financial structure.